मैं आज आपको MS Excel का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था फाइल टैब के फाइल बटन के बारे में और होम टैब के बारे में, और कम्प्लीटली डिटेल के साथ मैंने इन तमाम कमांड्स को आपके साथ शेयर किया था। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंसर्ट टैब के बारे में होगा, और इंसर्ट टैब में कुछ इंपॉर्टेंट जो कमांड्स हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, और कुछ कमांड को हमने एडवांस लेवल में पढ़ना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने बात करनी है इसमें पिक्चर के बारे में कि हम MS Excel में पिक्चर किस तरह से लेके आ सकते हैं, कि जब भी आप पिक्चर फॉर्मेट में जो भी डाटा आपके पास कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, चाहे वो आपके पास पासपोर्ट साइज पिक्चर हो, चाहे वो पासपोर्ट की पिक्चर हो, चाहे वो आईडी कार्ड की पिक्चर हो, कुछ भी डाटा ऐसा है जो आपने पिक्चर फॉर्मेट में कंप्यूटर में रखा हुआ है, उसको आप पेज पर ला सकते हैं पिक्चर के ज़रिए। और हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंसर्ट पिक्चर का ये बॉक्स ओपन होगा, और उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे डी ड्राइव में पिक्चर्स हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं वॉलपेपर में, और वॉलपेपर में देखिए मेरे पास कुछ पिक्चर्स यहाँ पड़ी हुई हैं। इसमें एनीवन हम कोई भी पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर सेलेक्ट की और उसको हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। तो जैसे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो वही पिक्चर पेज पर इंसर्ट हो जाती है, और कॉर्नर पे क्लिक करके आप इसको रिसाइज कर सकते हैं और शीट पर किसी भी जगह इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पिक्चर को फॉर्मेट करने के बारे में, कि पिक्चर को आपने फॉर्मेट किस तरह से करना है। आप पिक्चर पे क्लिक करते हो, पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे फॉर्मेट का एक न्यू टैब ओपन हो जाता है। अगर आप बाहर किसी भी सेल में क्लिक करते हैं तो तब ये टैब आपके पास हाइड हो जाता है, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाता है। तो इसमें पहली जो कमांड हमारे पास में आ रही है वो है रिमूव बैकग्राउंड, कि अगर आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो आपने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। तो जैसे हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे पिक्चर का कुछ हिस्सा हमारे पास जो पर्पल हो चुका है और कुछ हिस्सा हमारे पास वैसे ही कलर में मौजूद है। तो यहाँ से आप किसी भी कॉर्नर पर क्लिक करके इसको हमने इस तरह से बड़ा करना है, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं इस तरह से। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास कुछ हिस्सा जो है जिस पे कलर हमारे पास यहाँ पे पर्पल कलर आपका नज़र आ रहा है, कुछ में आपको पिक्चर रियल नज़र आ रही है। अब जो हिस्सा आपके पास पर्पल कलर में है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कीप चेंज पे क्लिक करते हैं, देखिए ये हिस्सा आपके पास रिमूव हो चुका है और बाकी ये वाला हिस्सा रह चुका है। अब हम चाहते हैं ये हिस्सा भी उसके साथ रिमूव हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर अंडू करते हैं, वापस आते हैं, और इसका साइज़ हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऐसे। अब उसके बाद हम चाहते हैं ये हिस्सा भी रिमूव हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्क एरिया टू रिमूव, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम जैसे यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, तो ये हिस्सा भी आपका सेलेक्ट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा भी सिलेक्ट हो चुका है। मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ यहाँ से, और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये सिलेक्शन यहाँ से हम ख़त्म करना चाहते हैं, कि ये जो हमारे पास यहाँ पर है ये रिमूव ना हो, तो आपने मार्क एरिया टू कीप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से देखें आपका ये हिस्सा यहाँ पे बाकी रह जाएगा और बाकी हिस्सा आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जूम हम आउट करते हैं इस तरह से, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे कीप चेंज पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ये हिस्सा आपका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो चुका है। और उसके बाद अगर आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे दूसरी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करके आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये पिक्चर मेरे पास आ गई, इसको हम यहाँ से रिसाइज करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने सेंड बैक पे क्लिक करना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पिक्चर का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड पास में आ रही है करेक्शन, कि अगर आपने यहाँ पे पिक्चर की करेक्शन आपने करनी है, इसका बैकग्राउंड का कलर आपने लाइट करना है, डिम करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये देखिए लाइट कलर इसमें कर दिया, थोड़ा सी ब्राइटनेस में बढ़ा दी, या मैंने यहाँ पे डार्क कलर कर दिया, तो इसे क्लिक करके आप यहाँ पे पिक्चर का कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपने सिंगल कलर यहाँ पे कोई अप्लाई करना है, जैसे आप ग्रीन कलर अप्लाई करना चाहते हैं, ब्लू अप्लाई करना चाहते हैं, येलो अप्लाई करना चाहते हैं, या से ब्लैक एंड वाइट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं ग्रे कलर, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, और बाकी कलर स्कीम भी यहाँ से अप्लाई की जा सकती है।
उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिस्टिक इफेक्ट के बारे में। यहाँ पे क्लिक करके पिक्चर का बैकग्राउंड देखिए, यहाँ पे इस तरह से हम इसमें कोई भी शेड अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से इफेक्ट भी इसमें हम दे सकते हैं ये आर्टिस्टिक इफेक्ट के ज़रिए। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड पास में आ रही है कंप्रेस पिक्चर की, अगर आप पिक्चर की रेजोल्यूशन कम करना चाहते हैं, पिक्चर हाई रेजोल्यूशन की है और ये ओपन होने में प्रॉब्लम हो रही है, या आप इसको ईमेल कर रहे हैं तब भी अटैच होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने कंप्रेस ईमेल पे क्लिक, कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करके आपने ईमेल पे क्लिक कर लेना है। और जैसे वो क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर को आप यहाँ से कंप्रेस भी कर सकते हैं। और अगर आप इस पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो आपने चेंज पिक्चर पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपने वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से हमने वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है जिस पिक्चर को हम उसकी जगह चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास ये वाली एक और पिक्चर है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें उसी जगह एक नई पिक्चर आ चुकी है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम कोई और पिक्चर भी लेके आ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है रीसेट पिक्चर की, अगर आपने पिक्चर के ऊपर कोई भी इफेक्ट अप्लाई किया, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई किया, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने ये वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई कर दिया, और यहाँ से हम क्लिक करके इसमें कोई भी इफेक्ट्स में अप्लाई कर लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला इफेक्ट्स में अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद हम इसको रीसेट करना चाह रहे हैं तो हमने उस पिक्चर पे क्लिक करना है जिसको हम रीसेट करना चाहते हैं, तो आपने रीसेट पिक्चर पे क्लिक करना है, पिक्चर आपकी रीसेट हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया, रीसेट पिक्चर पे किया तो पिक्चर आपकी रीसेट हो गई, जैसे बैकग्राउंड हमने रिमूव किया था तो दोबारा बैकग्राउंड हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं और उसको रीसेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं पिक्चर स्टाइल के बारे में, कि अगर आपने पिक्चर के ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करना है, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक स्टाइल हमारे पास ये वाला है, एक स्टाइल ये वाला है, एक स्टाइल ये है और एक स्टाइल ये है हमारे पास। अब यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें पिक्चर बॉर्डर के बारे में, कि यहाँ पर क्लिक करके पिक्चर का बॉर्डर भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर जैसे ये हमारे पास है, और उसके बाद अगर आप बॉर्डर का साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी बॉर्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर पिक्चर इफेक्ट पे आते हैं और उसके बाद रिफ्लेक्शन पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आपसे रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं इस पिक्चर को यहाँ से रिसाइज कर लेता हूँ, और रिसाइज करने के बाद मैंने इसको यहाँ से चेंज करना है, पिक्चर पर आते हैं, रिफ्लेक्शन पर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे पास पिक्चर, उसका अक्स बन रहा है हमारे पास यहाँ पर नीचे, तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं पिक्चर लेआउट के बारे में, कि आप यहाँ पिक्चर पे क्लिक करके इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, इसे किसी भी स्मार्ट आर्ट वगैरह में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मैं ज़रा इस पिक्चर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास इस तरह से आप इसे स्मार्ट आर्ट, और इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी नाम वगैरह दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, इस जगह हमने क्लिक करना है और यहाँ पर नेम हम टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया आलिया, एंटर प्रेस कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं राशिद, एंटर प्रेस करना है काशिफ एंड जावेद कर लेते हैं। अब उसके बाद जैसे यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्क ऑफलाइन का बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कोई भी पिक्चर आप इसमें दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाली एक पिक्चर दे दी, और उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद वर्क ऑफलाइन पर हमने फिर आना है, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके हम कोई दूसरी पिक्चर भी इसमें दे सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, इसका स्टाइल और बाकी इसमें इफेक्ट्स वगैरह। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे चेंज किया, चेंज करने के बाद अगर मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आपने डिज़ाइन पर आना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर रीसेट ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। अगर आपने इसे किसी शेप में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट टू शेप पर आप क्लिक करेंगे, या आपके पास एक शेप बन जाएगी, अब आप इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते, ये जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। तो फिलहाल अंडू करते हैं, उसमें बाकी कुछ और कमांड्स हैं इनको भी हम देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने इसमें आना है डिज़ाइन पे, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कोई भी कलर्स वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं, स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपके पास शेड हैं, यहाँ पर कोई भी कलर आप देना चाहें वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, लेआउट चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, जो लेआउट अच्छा लगे वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो चाहे यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से आपने चेंज करना है इसकी जगह, तो मूव अप पे क्लिक करके यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप सिर्फ डिमोट करना चाहते हैं, यानी कि आपने चाहते हैं यहाँ पे दो नाम जो है ये शो ना हो, तो डिमोट पे क्लिक करें,
और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर, फिर हम रिमोट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास देखिए यहाँ पे इस तरह से ये शो हो रहे हैं, और प्रमोट पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से डाटा आपका शो होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद राइट टू लेफ्ट अगर हम करेंगे तो ये डाटा राइट टू लेफ्ट की तरफ आएगा और ये लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ऐड शेप पर, आपने क्लिक करना है, एक न्यू शेप आपको यहाँ से मिल जाएगी, और उसके साथ अगर आपने कुछ और इसमें लिखना है तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर ऐड बुलेट्स भी कर सकते हैं, यानी इसके साथ आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आमिर कर दिया। और ये टेक्स्ट पैनल आपके पास है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ़ भी और ऑन भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं शेप इफेक्ट। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इस पिक्चर को, यहाँ से हम रिमूव करते हैं और दोबारा एक नई पिक्चर यहाँ पर ऐड करते हैं ताकि बाकी कमांड को मैं आपको पढ़ा सकूं। यहाँ से हम एक और पिक्चर यहाँ पे ऐड करते हैं, और नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास यहाँ पे पिक्चर लेआउट के बाद हम बात करेंगे इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैक के बारे में। देखिए आपके पास एक पिक्चर यहाँ पे मौजूद है, आप एक और पिक्चर यहाँ पे अगर लाना चाहते हैं तो इंसर्ट पे आएंगे, पिक्चर पे आएंगे, और उसके बाद एक और पिक्चर यहाँ पे हम इसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर ये वाली इसमें आ रही है, इस पिक्चर को हम यहाँ से रिसाइज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये, और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये पिक्चर इसकी बैक पे चली जाए तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने सेंड बैक पे क्लिक करना है, पिक्चर बैक पे चली जाएगी। अगर ये पिक्चर आपकी बैक पे और उसे फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें और उसे ब्रिंग फॉरवर्ड करें ताकि पिक्चर ये ऊपर आ जाए। उसके बाद सिलेक्शन पैनल पर आपने क्लिक करना है, तो सिलेक्शन पैनल में क्या होता है कि जो भी आपने पेज पर इंसर्ट किया होगा ऑब्जेक्ट की सूरत में, चाहे वो शेप हो, चाहे वो पिक्चर हो, या चाहे कोई और डाटा हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो आपका यहाँ पे सिलेक्शन पैनल में शो हो जाता है। तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको हाइड भी कर सकते हैं एंड शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं एंड शो भी कर सकते हैं, ज़रूरत के तहत कि आपने कौन से ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है या कौन से पिक्चर को प्रिंट करवाना है, कौन से पिक्चर को विजिबल करना है या किस पिक्चर को आपने हाइड करना है या अनहाइड करना है, वो भी आप यहाँ से अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें अलाइनमेंट के बारे में, कि आपने अलाइनमेंट किस तरह से अप्लाई करनी है। अब ये हमारे पास एक पिक्चर है, हम इस पिक्चर को दूसरी पिक्चर के सेंटर में लेके आना चाहते हैं, टॉप पे लेके जाना चाहते हैं, बॉटम में लेके आना चाहते हैं, तो आपने एक उस पिक्चर पे क्लिक करना है जिस पिक्चर को दूसरी पिक्चर के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम या सेंटर में लाना चाहते हैं। और उस पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर आपने दूसरी पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे और आपने आना है अलाइनमेंट पे। अलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कर सकते हैं इसमें अलाइन टू सेंटर एंड अलाइन टू मिड, तो इस तरह से आपने यहाँ से कर लेना। देखिए पिक्चर बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है, अब आपकी मर्जी है, चाहे तो इसे लेफ्ट कर लें, चाहे तो इसे आप राइट कर लें, चाहे तो इसको आप सेंटर में ले आएँ, चाहे तो आप टॉप एंड बॉटम में लेके आएँ, वो सारी कमांड आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें ग्रुप के बारे में, कि आपने दो पिक्चर्स को एक साथ ग्रुप कैसे करना है। जैसे हमारे पास एक पिक्चर ये वाली है और दूसरी ये वाली है, इसके अलावा भी अगर आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं तो तमाम पिक्चर्स का आप एक साथ ग्रुप बना सकते हैं। और ग्रुप बनाने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप पिक्चर को मूव करेंगे तो तमाम पिक्चर एक साथ मूव होंगी, वो अलग अलग से मूव नहीं होंगी। तो आपने शिफ्ट के साथ दूसरी पिक्चर पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर ग्रुप पर आना है और यहाँ पर क्लिक करेंगे ग्रुप पर, और उसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों पिक्चर एक साथ मूव हो रही हैं। अगर आप इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें और आपने अनग्रुप पे क्लिक करना है, अभी दोनों पिक्चर्स आपकी अलग अलग से हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले रोटेट के बारे में, कि आप पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं या उसके बाद इसे वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल करना चाहते हैं, या 90 डिग्री तक आप इसे रोटेट करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं इसके पिक्चर को, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। और उस पर नेक्स्ट मंड पढ़ने वाले क्रॉप के बारे में, कि अगर आपने किसी हिस्से को आपने क्रॉप करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि क्रॉप पे आते हैं और क्रॉप पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से हमने वो हिस्सा सेलेक्ट करना है जिससे को हम क्रॉप करना चाहते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा हमारे पास है और यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये इस तरह से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। अगर आपने इसको किसी शेप में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने क्रॉप पे आना है और उसके बाद आपने शेप पे आना है, यहाँ पे हम किसी भी दूसरी शेप में से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपने यहाँ से कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से क्लिक करके हम इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, विड्थ भी बढ़ा सकते हैं और हाइट भी बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड में हम बात करेंगे इसमें ऑनलाइन पिक्चर के बारे में, अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है और उसके बाद आप इंटरनेट से अगर आपने कोई पिक्चर सर्च करनी है तो आप ऑनलाइन पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में पढ़ने वाले हैं इसमें शेप्स के बारे में कि आपने शीट के ऊपर शेप्स को किस तरह से इंसर्ट करना है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की शेप्स यहाँ पे शो हो रही हैं, जिसमें लाइंस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज हैं, इक्वेशंस हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, स्टार्स एंड बैनर्स हैं और कॉल आउट्स हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी शेप पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। और हम इस शेप को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं पिक्चर को, और जैसे ही आप शेप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट का टैब ओपन हो जाएगा। आप कोई भी शेप पेज पर इंसर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और शेप यहाँ पे इंसर्ट कर ली, तो आपके सामने यहाँ पे वही टैब दोबारा ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है, और फॉर्मेट टैब में देखिए हमारे पास जो पहला ग्रुप इसमें आ रहा है वो इंसर्ट शेप का आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी शेप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह से हमने शेप को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी एक शेप और एक नई शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एडिट शेप के बारे में कि आपको ये वाली शेप अच्छी नहीं लगी, आपने इसको चेंज करना है, तो आपने एडिट शेप पे आना और यहाँ पे क्लिक करके आप शेप को चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी शेप यहाँ पे आप नई लेके आ सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में पढ़ने वाले हैं इसमें एडिट शेप के बाद हम बात करेंगे इसमें एडिट पॉइंट पे। तो आपने एडिट पॉइंट पे आपने क्लिक करना है, एडिट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से आप क्लिक करके आप इसकी शेप को चेंज भी कर सकते हैं। इस जगह हम क्लिक करते हैं और शेप को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे जो चाहें शेप दे सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें टेक्स्ट बॉक्स के बारे में कि अगर आप शीट पर किसी भी जगह कोई भी तहरीर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जो भी टेक्स्ट आप राइट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी टाइप किया और यहाँ से हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ भी कर सकते हैं। दोबारा हम शेप पे क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट का टैब ओपन हो गया, और उसके बाद इसमें आ रहा है शेप स्टाइल कि आप यहाँ पे क्लिक करके शेप का कोई भी स्टाइल यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला स्टाइल है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, डिफरेंट टाइप के स्टाइल हम यहाँ पे सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें शेप फिल के बारे में कि आपने शेप के अंदर कोई और कलर अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और इसमें कोई भी दूसरा कलर आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे कोई पिक्चर पैटर्न या ग्रेडियंट वगैरह फिल करना है वो भी हम यहाँ पे क्लिक करके वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी पिक्चर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, वही पिक्चर आपके पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हम आते हैं फिर उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कोई और कलर में फिल करना है जैसे ग्रेडियंट वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपने मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करना है, आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ से बने बनाए कलर्स भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और ख़ुद से भी आप यहाँ पे कलर्स बना सकते हैं। इसमें लीनियर है, रिडायल है, रेक्टेंगल्स हैं, पाथ हैं, डिफरेंट टाइप के इसमें आपको शेड नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें फॉर्मेट एंड शेप आउटलाइन कि आप यहाँ पे क्लिक करके शेप की आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप आउटलाइन का साइज़ यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो आउटलाइन का साइज़ भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है शेप इफेक्ट हमारे पास कि यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसा रिफ्लेक्शन हमारे पास, शेडो इफेक्ट्स हमारे पास, और उसके बाद बिवल है या उसके बाद एम्बॉस हैं, डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स हैं, जो इफेक्ट चाहें वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें वर्ड आर्ट के बारे में कि अगर आप वर्ड आर्ट का यूज़ करना चाहते हैं शेप के अंदर तो सबसे पहले आपने शेप इंसर्ट करके उसके अंदर आपने डाटा लिखना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन, और फाल्कन टाइप करने के बाद मैंने इस डाटा को यहाँ पे सेलेक्ट किया, और उसके बाद जो स्टाइल चाहे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला स्टाइल इसमें अप्लाई किया, और होम पे क्लिक करके आप यहाँ से इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं। और फिर दोबारा हम यहाँ फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट कमांड से पढ़ने वाले इसमें इफ़ेक्ट्स। तो यहाँ पे क्लिक करके इसमें देखिए आप इसका कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने येलो कलर कर दिया, रेड कर दिया या वाइट कलर कर दिया, जो कलर आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसकी आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं, और उसके साथ अगर आपने इफेक्ट ही चेंज करना है तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन इफेक्ट हमारे पास है, ये अप्लाई कर सकते हैं, ग्लो का इफेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे ये इफेक्ट्स हैं, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म हमारे पास है, इसमें जो इफेक्ट चाहें आप जिस तरह के इफेक्ट चाहें वो यहाँ से क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैक, कि अगर आप इस शेप को बैक पे लेके जाना चाहते हैं दूसरी शेप के, तो आपने सेंड बैक पे क्लिक करना है, ये बैक पे चला जाएगा। अगर आप इसको फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करें तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। बिल्कुल वही कमांड है जो कुछ देर पहले हमने पिक्चर में पढ़ी है। सिलेक्शन पैनल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जितनी भी शेप पेज पर इंसर्ट हो चुकी हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से क्लिक करके आप इसको हाइड एंड शो करवा सकते हैं। अगर आप इनकी जगह चेंज करना चाहते हैं, किसी को आपने फ्रंट पे लाना है, किसी को आपने बैक पे लेके आना है, वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं एरोस पे इस तरह से। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसकी जगह चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड्स में हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट, कि आपने अलाइनमेंट अप्लाई करनी है, कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो शेप है हम इसको इसके सेंटर में लेके जाना चाहते हैं। तो आपने इस पिक्चर पर क्लिक किया, शिफ्ट के साथ आपने इस पर क्लिक किया और उसके बाद आपने अलाइनमेंट पे आना है, अलाइन टू सेंटर कर लेना है। फिर इसके बाद आपने अलाइन टू मिड कर लेना है ताकि ये पिक्चर इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और अगर आप इसे ग्रुप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ आपने दूसरी शेप पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने ग्रुप पे आना है और आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों शेप्स आपके पास ग्रुप हो चुकी हैं। अगर आप इसके साथ मज़ीद और शेप को ग्रुप करना चाहते हैं तब आपने शिफ्ट को दोबारा प्रेस करना है, यहाँ पे क्लिक करें, बाकी शेप को सिलेक्ट करें और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें ग्रुप पे। तो ये देखिए सारी शेप्स यहाँ पे ग्रुप हो चुकी हैं। अगर आप इसे अनग्रुप करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, अनग्रुप पे क्लिक करते हैं तो ये आपका अनग्रुप भी हो जाएगा। और अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस तरह से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, हाइट या विड्थ आप इसकी बढ़ाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें स्मार्ट आर्ट के बारे में, कि इसमें मेन ब्रांच और सब ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। जिस तरह हमारे पास कोई भी कंपनी है उसकी मेन ब्रांच और उसकी सब ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे, उसका हम जिक्र कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है उसके बाद उस प्रोडक्ट का नेम और उसके बाद उसके जितने भी उसमें जो चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। हमारे पास कोई भी मशीनरी है या कंप्यूटर है, कुछ भी हमारे पास है तो उसका नेम और उसके साथ जुड़ी हुई तमाम आइटम्स हम उसमें डिटेल से शो करवा सकते हैं। तो इसमें आपने स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना है जिसमें हम मेन ब्रांच और सब ब्रांचेस का इस्तेमाल करना पढ़ेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करें, इसको हम डिलीट करते हैं और अब हमने बात करनी है इसमें स्मार्ट आर्ट के बारे में, कि आपने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है, आपके सामने स्मार्ट आर्ट का ये ग्राफिक का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जैसे रिलेशनशिप है या उसके बाद हमारे पास साइकिल्स हैं या उसके बाद हमारे पास पिक्चर्स हैं, जो आप लेना चाहें यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैंने रिलेशनशिप पे क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इसमें कोई भी शेप और उसके बाद स्टाइल और ओके क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से मैं इसका साइज़ यहाँ बड़ा करने वाला हूँ और साइज़ बड़ा करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टॉप के ऊपर। अगर आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स ओपन ना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं और इस जगह आप क्लिक करेंगे टॉप पे। और उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे हम फर्ज़ कीजिए कि एक कोर्स हम करवा रहे हैं ऑफिस मैनेजमेंट, और ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं उसके अंदर वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है और उसके साथ बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हैं। तो डाउन एरो हम प्रेस करते हैं और यहाँ पर इसमें टाइप करते हैं वर्ड, डाउन एरो प्रेस करते हैं, उसको टाइप करते हैं एक्सेल, फिर उसको टाइप करते हैं यहाँ पर पावर पॉइंट और उसके बाद हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पर टाइपिंग और एंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर इसमें कर दिया इन पेज और जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं देखिए एक और शेप आपको ऑटोमेटिकली मिल रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं या स्मार्ट आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं तो इसके बारे में कुछ देर पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ से आप अपनी मर्जी इसको रीसेट, अगर फर्स्ट किए कि आपने किसी भी शेप पे यहाँ पे क्लिक करके इसको एक दूसरी जगह आप मूव कर चुके हैं तो उसको यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, इसको ग्राफिक में भी चेंज कर सकते हैं। और ये तमाम कमांड कुछ देर पहले मैं आपको पिक्चर के ग्रुप में पढ़ा चुका हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इंसर्ट पर आएंगे, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद हम बात करेंगे इसमें स्क्रीन शॉट के बारे में। स्क्रीनशॉट में ये होता है कि आप ओपन फाइल के अंदर या ओपन विंडो के अंदर या उसके बाद कोई भी विंडो जो आपने एक्टिव की हुई है उसको आप यूज़ करते हुए आप यहाँ पे कोई भी तस्वीर पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं या उस प्रोग्राम के अंदर से किसी भी हिस्से को आप कैप्चर करके पेज पर ला सकते हैं। तो उसके लिए आपने स्क्रीन शॉट पर आना है, आपने स्क्रीन चाहते हैं ये देखें यहाँ पे स्क्रीन और स्क्रीन क्लिपिंग और फौरन से आपने उस प्रोग्राम को ओपन करना है। और ये जैसे ही यहाँ पे ये लाइट हो जाए, डिम हो जाए, मध्यम हो जाए तो आपने प्लस का साइन, माउस पॉइंटर आप देखिए प्लस का साइन जैसा हो गया है
तो वो हिस्सा आप सेलेक्ट करें जिसको आप कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे ये वाला हिस्सा हमारे पास है, तो आप देखें यहाँ पे यही हिस्सा आपके पास यहाँ पे कैप्चर होकर पेज पर आ चुका है। अगर आप पूरी विंडो को यहाँ से कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से माई कंप्यूटर ओपन कर लिया विंडो ई प्रेस करके, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि पूरे माई कंप्यूटर को मैं कैप्चर करना चाहता हूँ, तो एक्सेल को ओपन करें। देखें इस तरह से आपके पास ये माई कंप्यूटर ओपन रहे, और आपने एक्सेल को ओपन करना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है, और स्क्रीन शॉट पर आपने आना है, और उसके बाद जो भी विंडो आपके पास यहाँ बैक पे ओपन होगी, चाहे वो कोई ब्राउज़र है चाहे वो सॉफ्टवेयर है, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे पूरी की पूरी विंडो यहाँ पे कैप्चर होकर पेज पर आ जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी भी विंडो का। और नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं चार्ट के बारे में, कि चार्ट हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो चार्ट में बहुत सारी कमांड्स हैं, फिलहाल अभी हम बात करेंगे इसमें कॉलम चार्ट के बारे में या फिर बार चार्ट के बारे में। तो कोई भी चार्ट इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास डाटा होना ज़रूरी है। किसी भी किस्म का आपके पास कोई डाटा मौजूद है, आप इसे चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया नेम, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मार्क्स, कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड के मुताबिक मैं इसको चार्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ टाइप कर लिया अली रज़ा, एंड कैप्स लॉक को मैं ऑफ़ कर लेता हूँ अली रज़ा, एंड इसके मार्क्स हमारे पास 85 हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ इसमें टाइप करते हैं राशिद, 65 मार्क्स कर लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं आमिर, एंड उसके बाद उसके मार्क्स 75 कर लेते हैं, और उसके बाद उमेर के मार्क्स यहाँ पे 93 कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, अपने डाटा को सिलेक्ट कर लें और जूम यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और उसको चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले ये डाटा इस तरह से सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद ये चार्ट की यहाँ पर डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, तो आप इसमें से कोई भी चार्ट ले लें। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ये बार चार्ट, हम इसको सेलेक्ट करते हैं कॉलम चार्ट को और बार चार्ट को, इस तरह से हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसके बाद कहीं पर भी अगर आप यहाँ पे कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे कि अली रज़ा के मार्क्स यहाँ पे 85 हैं, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 45 में, तो आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू डाउन हो चुकी है हमारे पास। तो उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इसमें आते हैं डिज़ाइन पर, और इसमें जो पहली कमांड इसमें आ रही है वो है हम यहाँ पढ़ने वाले मूव चार्ट के बारे में, कि हम चार्ट को मूव करना चाहते हैं किसी भी बड़ी इसमें शीट के ऊपर। तो आपने मूव चार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने न्यू शीट पे क्लिक करना है, और ओके क्लिक करेंगे तो ये बड़ी शीट के ऊपर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, और दोबारा उसी चार्ट में अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट इन पर क्लिक करें, और ओके क्लिक करेंगे दोबारा वापस उसी जगह पर आ जाएंगे। अगर आप चार्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आपने चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करना है, आपके सामने यहाँ पे चार्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप जो चाहें चार्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और देखिए हमारे पास यहाँ पे लाइन चार्ट भी है, टेम्पलेट्स भी पड़े हुए हैं, पाई चार्ट भी है, आप जो चार्ट चाहें वो यहाँ पर क्लिक करके इसको ओके करेंगे तो वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसमें आते हैं और बार चार्ट या कॉलम चार्ट इसमें सेलेक्ट करते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है सेलेक्ट डाटा, कि आप यहाँ पे क्लिक करके डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप फर्स्ट के इतना ही डाटा चार्ट में लेना चाहते हैं, बाकी डाटा को नहीं लेना चाहते, यानी कि आप उमेर का डाटा शो नहीं करवाना चाहते, अली रज़ा, राशिद और आमिर का करवाना चाहते हैं, तो सब तीन लोगों का डाटा हमारे पास शो होगा। तो सेलेक्ट पर क्लिक करके दोबारा आप सबको सेलेक्ट करके यहाँ पर सारा डाटा भी दोबारा शो करवा सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे हम यहाँ पर स्विच रो एंड कॉलम पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये रो में शो हो जाएगा और यहाँ पे ये कॉलम में, यहाँ पे क्लिक करके आप रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप चार्ट स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ पे चार्ट का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल आप करना चाह रहे हैं। इसमें देखें डिफरेंट टाइप के इसमें हमारे पास स्टाइल पड़े हुए हैं, जैसे मैंने देखें इस तरह से ये कलर इसमें अप्लाई कर लिया, तो ये देखिए चार्ट आपका चेंज हो चुका है। तो किसी भी किस्म का फॉर्मेट आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे चेंज कलर के बारे में, कि यहाँ पे क्लिक करके आप सब कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसमें आते हैं, चार्ट को आपने यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, ये देखिए इस तरह से आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो चाहें कलर आप यहाँ पे देना चाहें वो दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्विक लेआउट्स हमारे पास हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप जैसे क्लिक करते हैं इसमें देखें क्विक लेआउट्स पे हमने लेआउट चेंज किया, तो देखिए यहाँ पे आपके पास वैल्यू भी शो हो रही है, नेम भी आ रहा है और साथ में मार्क्स भी शो हो रहे हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आपने ऐड एलिमेंट्स पे आना है तो इसको आप यहाँ पे ऐड भी करवा सकते हैं। खैर इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें हैपर लिंक के बारे में कि हमने हैपर लिंक किस तरह से क्रिएट करना है। किसी भी सेव फाइल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप यहाँ पे लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने हैपर लिंक का यूज़ करना है। यानी आपके पास एक्सेल की फाइल्स है जो कहीं और पड़ी हुई हैं और आपने उन फाइल्स का लिंक यहाँ पे क्रिएट करना है ताकि जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आपकी वो फाइल जहाँ भी पड़ी हैं वहीं से ओपन हो जाएं। या आपकी कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई भी ऐसा डाटा है जो आपने कहीं और सेव किया हुआ है किसी और ड्राइव में, तो उसका लिंक आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं। आपने हाइपर लिंक पे आना है। हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने हाइपर लिंक का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से अगर आपके पास फाइलें पड़ी हैं तो यहीं से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी फ़ाइल किसी फोल्डर में किसी भी ड्राइव में पड़ी हुई है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ पर जाएँगे जहाँ पर आपके पास फाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे हमारे पास फाइल्स कुछ डाटा ड्राइव में पड़ी हुई हैं और इसमें देखिए हमारे पास कुछ पिक्चर्स हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वॉलपेपर सेलेक्ट कर लिए और मैंने यहाँ पे HD वॉलपेपर सेलेक्ट कर लिया। कोई पिक्चर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और मैंने इसे ओके कर लिया। अब देखिए मेरे पास उसी सेल में एक लिंक बन गया कि मैं बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपका डी ड्राइव में वॉलपेपर के फोल्डर में HD के फोल्डर में इस नाम की फाइल है और वो JPG है, पिक्चर फॉर्मेट में है। अगर इसको ओपन करना चाहते हैं तो जिस सेल के अंदर आपने क्लिक करके लिंक क्रिएट किया है आप कर्सर को उसी के ऊपर लेके जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे हैंड का निशान शो हो रहा है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही पिक्चर यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी फाइल का लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें टेक्स्ट बॉक्स के बारे में कि अगर आप पेज पर किसी भी जगह कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑटो शेप की तरह काम करता है, जिस तरह से ऑटो शेप में हमने पढ़ा है बॉक्स क्रिएट करके उसमें कुछ भी राइट करने के बारे में। और जैसे मैंने यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट लिख दिया, इस तरह से क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी डाटा राइट कर सकते हैं और उसको क्लिक करके डिलीट भी किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे हेडर एंड फुटर के बारे में कि आपने MS Excel में हेडर या फुटर कैसे अप्लाई करना है। जैसा कि आपने सुना होगा और या आपने वर्ड में भी पढ़ा है कि हम पेज पर पेज नंबर, डेट एंड टाइम या बुक का नाम अगर हम चाहते हैं कि हर शीट के ऊपर प्रिंट हो तो इसके लिए हम हेडर एंड फुटर का यूज़ करते हैं। तो आपने हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है। हेडर एंड फुटर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पे हमारा फॉर्मेट इस तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने यहाँ पे ऊपर हेडर लिखा नज़र आ रहा है और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें पेज नंबर के बारे में कि अगर आप पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और देखिए आपके पास पेज नंबर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे करंट टाइम या करंट डेट इसमें इंसर्ट करनी है वो भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, जो आपके पास कंप्यूटर की डेट होगी। अगर आपने कोई फाइल पाथ इंसर्ट करना है तो आप फाइल पाथ भी इंसर्ट कर सकते हैं। फाइल पाथ क्या होता है कि आपकी फ़ाइल किस ड्राइव में, किस फोल्डर में, किस नाम से सेव है। फाइल का नेम इंसर्ट करना है वो भी हम कर सकते हैं, शीट का नेम इंसर्ट करना है वो भी हम कर सकते हैं, और पिक्चर पर क्लिक करके आप अपने इदारे का या अपनी कंपनी का कोई भी लोगो जो आपने बना के रखा होगा वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि हर पेज पर प्रिंट होना चाहिए हेडर पे। हम यहाँ पे इसमें आते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ लोगो पड़े हुए हैं और मैं यहाँ पे लोगो सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैंने इसे इंसर्ट कर लिया तो मेरे पास यहाँ पे लोगो भी शो हो रहा है। अगर लोगो का साइज़ कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने पिक्चर फॉर्मेट पे इसमें आना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने लॉक के ऑप्शन को ख़त्म करना है और यहाँ से हमने लोगो का साइज़ कम करना है। जैसे मैं इसे देना चाह रहा हूँ 1x1 का साइज़, तो मैंने हाइट एंड विड्थ इसकी 1x1 कर ली और उस पर जैसे मौके पर क्लिक करेंगे देखिए आपके पास यहाँ पे लोगो का साइज़ कम हो गया। इस तरह आप ज़रूरत के मुताबिक इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं डिज़ाइन पर क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर पर। और अगर आप हेडर की बजाय फुटर में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप फुटर में भी जा सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप हेडर में भी जा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज है, डिफरेंट ऑड एंड इवन है कि आपने ऑड एंड इवन के तौर पे पेज नंबर अप्लाई करना है, पेज नंबर 1 पे आपने पेज नंबर अप्लाई नहीं करना, तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे हम फाइल पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पर आपका हेडर प्रिंट हो रहा है और ये जितने भी आप पेजेस बनाएंगे उन सब के ऊपर ये आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कुछ राइट किया तो आप देखें यहाँ पर भी पेज नंबर आ रहा है। और इसको नॉर्मल करने के लिए आपने इस शीट पे क्लिक करना है, नॉर्मल शीट के ऊपर नीचे स्टेटस बार पे। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें वर्ड आर्ट के बारे में कि अगर आपने कोई टाइटल लिखना है, कोई सब हेडिंग आपने टाइप करनी है तो उसके लिए हम वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं।
आपने वर्ड आर्ट पे आना है। वर्ड आर्ट का स्टाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये वाला स्टाइल सिलेक्ट किया। और उसके बाद यहाँ पे हमने हेडिंग टाइप करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया MS Excel 2016। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जहाँ भी एडजस्ट करना चाहें इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं एज अ टाइटल। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड एक और हम पढ़ने वाले हैं इसमें सिग्नेचर लाइन के बारे में, कि अगर आपने MS Excel में कोई सिग्नेचर लाइन आपने इंसर्ट करनी है तो आपने सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करना है। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सिग्नेचर का सेटअप ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करें और उस शख्स का नाम लिखें जिसके आप साइन लेना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम टाइप किया केवल VJ, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ सजेस्टेड स्टैंडर्ड एंड टाइटल, फॉर एग्जांपल मैनेजर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है वो आपने यहाँ पे टाइप करनी। मैंने यहाँ पे CEO लिख दिया। और उसके बाद जैसे मैंने ओके क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो चुकी है। और जब भी आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सिग्नेचर लाइन प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में, कि आपने वर्ड को एक्सेल और एक्सेल को वर्ड में आप तब्दील कर सकते हैं। यानी आप एक्सेल में रहते हुए अगर किसी दूसरे प्रोग्राम को इंसर्ट करना चाहते हैं या एक्सेल को किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। आपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है, और जैसे हम ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑब्जेक्ट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आपने उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपके पास पावर पॉइंट है, जैसे कि आपके पास वर्ड है, पेंट है, कोई भी प्रोग्राम है जिसको आप अपने एक्सेल को आप उसके साथ कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। मैंने वर्ड को सिलेक्ट करके ओके क्लिक किया है तो आप देखें यहाँ पे आपके पास वर्ड आ चुका है। अब जितनी भी कमांड्स आपके पास यहाँ पे ऊपर शो हो रही हैं वो सारी वर्ड की हैं। और जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये आप एक्सेल में वापस आ जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप वर्ड में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप एक्सेल में रहते हुए वर्ड का काम भी कर सकते हैं और किसी दूसरे प्रोग्राम का भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड, ये इक्वेशंस हमारे पास मैथ की इक्वेशंस हैं, अगर आप चाहें तो इनको भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और ये सिंबल्स हैं हमारे पास, कि आप कोई भी सिंबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड का है, कॉपीराइट का है, या उसके बाद कट का है, या उसके बाद डेंजरस का है, कोई भी सिंबल है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखिए यहाँ पे सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, कॉपीराइट का, रजिस्टर्ड का, ट्रेडमार्क का। अगर यहाँ पे नहीं है तो स्पेशल करेक्टर में जाकर आपने यहाँ पे ये भी देख लेना कि कॉपीराइट का सिंबल ये है हमारे पास, रजिस्टर्ड का ये है, ट्रेडमार्क का ये है, डॉलर का है, सेक्शन का है, पैराग्राफ का है। तो बहुत सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप कॉन्टैक्ट का, ईमेल का, बाकी सिंबल्स में देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें हम टाइप करेंगे विंगडिंग्स। और जैसे हम यहाँ पे विंगडिंग्स टाइप करते हैं तो आपके सामने देखिए यहाँ पे बाकी सिंबल्स भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर का कर लिया, कट का कर लिया, मैंने यहाँ पे ओके कर लिया और इसे इंसर्ट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद होम पे आते हैं, उसका फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा देते हैं आम तहरीर की तरह। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टैब हम पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट में हम बात करेंगे सबसे पहले मार्जिन के बारे में, कि पेज का मार्जिन हम कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू शीट क्रिएट करते हैं। और उसके बाद आपने पेज पे आना है और यहाँ पे देखिए नॉर्मल मार्जिन, ज़्यादातर हम लेटर लीगल A4 साइज़ के लिए नॉर्मल मार्जिन का यूज़ करते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी का मार्जिन यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो भी आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके यहाँ पे आप टॉप एंड बॉटम या लेफ्ट एंड राइट का मार्जिन आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओके क्लिक किया, ओके क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है। इसका मतलब है कि आपकी तहरीर यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे जाकर एंड हो जाएगी। अगर तहरीर आपकी आई से जे में चली गई तो ये पेज नंबर 2 पे प्रिंट होगी, 1 पे प्रिंट नहीं होगी। इसी तरह से मैंने यहाँ पे डाटा टाइप किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन, और इसका जूम हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि क्लियरली आपको नज़र आए कि डाटा किस तरह से टाइप हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स का। अब देखें कि ये डाटा हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये लाइन आपको नज़र आ रही है कि आपकी तहरीर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखी जाएगी, और यहाँ पे अगर तहरीर जे में चली गई तो पेज नंबर 2 पे प्रिंट होगी। अब जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आपको ये तहरीर इस तरह से नज़र आ रही है। कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करते हैं, वापस आते हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ तक डाटा सेलेक्ट किया, सेल को सेलेक्ट किया, होम पे आते हैं और मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करते हैं। मार्जिन सेंटर पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे हेडिंग बन चुकी है। फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स, टोटल,
ऑब्टेंड, रिजल्ट एंड परसेंटेज, और उसके बाद ये हो गया, और उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रेट। अब देखिए ये हमारे पास मार्जिन से आगे चला गया, जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज तक डाटा आ रहा है और बाकी डाटा हमारे पास ग्रेड का वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, पेज नंबर टू पे। तो हम चाहते हैं ये डाटा एक ही पेज पर रहे, तो इसके लिए हमने मार्जिन को कम कर देना है। कौन सा मार्जिन कम करेंगे? राइट के साइड का। तो इसके लिए आपने पे लेआउट पे आना है, मार्जिन पे आना है, उसके बाद आपने कस्टम मार्जिन पे आना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने राइट का मार्जिन थोड़ा सा कम कर लेना है, और उसे ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये तहरीर पेज नंबर वन पे प्रिंट हो रही है। कंट्रोल पी करते हैं तो आप देखें यहाँ पे ग्रेड शो हो चुका है हमारे पास। तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्जिन को कम या ज़्यादा करके अपने डाटा को एडजस्ट करवा सकते हैं, या फिर मैनुअली ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्लिक करके मैनुअली एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं ओरिएंटेशन के। आप पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं, ये आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा और ये आपका लैंडस्केप हो जाएगा। तो हम कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, देखिए अब आपका पेज यहाँ पे लैंडस्केप में प्रिंट हो रहा है। कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करते हैं, वापस आते हैं। और अगर आप इसे पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पोर्ट्रेट पर क्लिक करें, फिर फाइल पर आते हैं एंड प्रिंट पर क्लिक करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर आप पोर्ट्रेट में प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद एस्केप का बटन प्रेस करते हैं, फिर दोबारा वापस आ रहे हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें साइज़ के बारे में, कि आप यहाँ पे पेपर साइज़ भी अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, जैसे कि लेटर भी है, लीगल भी है, A4 भी है, जो पेपर साइज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी पेज पे आपका डाटा कंपोज होगा, और उसी पेज को आप सिलेक्ट करके आप डाटा को प्रिंट करवा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर लेटर लीगल A4 साइज़ सिलेक्ट कर लेना है अपनी मर्ज़ी से। और उसके बाद जैसे हम साइज़ पर क्लिक करते हैं तो मोर पेपर साइज़ पर आते हैं, आपने यहाँ पे मार्जिन पे आना है। मार्जिन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक और कमांड इसमें सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे सेंटर ऑन पेज कर लेंगे ताकि आपकी लेफ्ट एंड राइट का जो मार्जिन है वो इक्वल रहे और आपकी तहरीर बिल्कुल पेज के सेंटर में प्रिंट हो। तो इसलिए आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर लेना है ताकि डाटा आपका लेफ्ट एंड राइट का सेंटर में रहे। अगर आप वर्टिकली भी सेंटर करते हैं तो इसका ये होगा कि अब आपका डाटा जो पेज के बिल्कुल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के सेंटर में प्रिंट होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपने वर्टिकली नहीं करना, आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ही कर लेना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे साइज़ पे आना है, मोर पेपर साइज़ पे आएंगे, और उसके बाद आपने मार्जिन पे आना है, और उसके बाद आपने वर्टिकली को ख़त्म कर देना है एंड ओके पे क्लिक करेंगे, फिर आपने फाइल एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें लेफ्ट एंड राइट का मार्जिन आपका एक जैसा होगा और तहरीर बिल्कुल पेज के सेंटर में प्रिंट हो रही है टॉप से। और आगे हम बात करने वाले हैं इसमें प्रिंट एरिया के बारे में। हमारे पास पेज बन चुका है, डाटा लिखा जा चुका है और हम चाहते हैं कि इसमें कुछ हिस्सा प्रिंट करवाना चाहते हैं और बाकी हिस्से को प्रिंट नहीं करवाना चाहते। जैसे हम चाहते हैं कि इतना हिस्सा प्रिंट हो और बाकी ये वाला प्रिंट ना हो, तो आपने प्रिंट एरिया पे आना है। सेट प्रिंट एरिया पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करते हैं या फाइल एंड प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो आप देखें आपके सामने सिर्फ उतना ही डाटा प्रिंट हो रहा है जितना आपने सेलेक्ट किया है। स्केप का बटन प्रेस करते हैं, वापस आते हैं, और उसके बाद इसको रिमूव करना चाहते हैं तो प्रिंट एरिया एंड क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करें। आपका प्रिंट एरिया क्लियर हो चुका है, अब जब आप प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, सारा डाटा ही आपका प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें ब्रेक के बारे में। अब हमारे पास यहाँ पर डाटा एक ही पेज पर प्रिंट हो रहा है, मगर हम चाहते हैं इसमें कुछ डाटा पेज नंबर वन पे प्रिंट हो और कुछ पेज नंबर टू पे प्रिंट हो। जैसे हम यहाँ पे इससे पे क्लिक करते हैं, हम चाहते हैं मार्क्स से डाटा जो है हमारे पास वो पेज नंबर टू पे हो और सब्जेक्ट तक डाटा हमारे पास पेज नंबर वन पे हो। ट्रिक पे आना है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इससे आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने ब्रेक पे आना है और इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ से आपको ये ब्रेक ये लाइन नज़र आ रही है। उसके बाद कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर वन और पेज नंबर टू नज़र आ रहा है। अब सब्जेक्ट तक डाटा जो हमारे पास है वो पेज नंबर वन पे प्रिंट हो रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट से आगे हमारे पास जो डाटा हमारे पास में आ रहा है वो पेज नंबर टू पे प्रिंट हो रहा है, जैसे मार्क्स, टोटल ऑब्टेन, रिजल्ट एंड परसेंटेज ग्रेड। तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है और आपने ब्रेक पे आना है और उसके बाद रिमूव पेज ब्रेक पे आप क्लिक करें तो पेज ब्रेक आपकी रिमूव हो जाएगी और आप जितना भी डाटा आपके पास है वो सारा एक ही पेज पर प्रिंट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं बैकग्राउंड के बारे में, कि अगर आप पेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आपको वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा ये बैकग्राउंड सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के लिए होगा, हार्ड कॉपी के लिए नहीं होगा। यानी अगर आप सिर्फ से कंप्यूटर पे देखना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं या नेट पे अपलोड करना चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट पे, तब वहाँ पे ये कलर स्कीम शो होगी, वरना ये शो नहीं होगी, प्रिंट पे नहीं शो होगी।
तो आप बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे वर्क ऑफलाइन पे हम क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ से कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फर्स्ट के मैंने यहाँ से ये वाला वॉलपेपर इसमें सेलेक्ट किया और उसके बाद हम इसको इंसर्ट करते हैं, तो आप देखिए आपके पास वॉलपेपर पेज पर आ चुका है। अब उसके बाद कुछ भी हम यहाँ पर राइट कर लें और उसके बाद जैसे हम फाइल और प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट में ही आपका वॉलपेपर यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। और इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपने डिलीट बैकग्राउंड पे आना है, बैकग्राउंड आपका डिलीट हो जाएगा। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें प्रिंट टाइटल के बारे में। प्रिंट टाइटल क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आपके पास एक्सेल में जितने भी पेजेस बन रहे हैं उन सब की हेडिंग एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि आपके जो फर्स्ट पेज पर हेडिंग है वो तमाम पेजेस पर आपकी अप्लाई होनी चाहिए। जैसे कि फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी या ऑफिस मैनेजमेंट, नेम, क्लास एंड रोल नंबर हर पेज पर आना चाहिए। तो इसके लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं? प्रिंट टाइटल का। तो सबसे पहले आपने नीचे, तो क्योंकि एक्सेल जो पेजेस होते हैं वो वर्टिकली आपके आते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, ये पेज नंबर वन है, तो इस तरह से हम स्क्रॉल करके ऐसे नीचे आएंगे पेज नंबर टू पे। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉलिंग करते हम नीचे की तरफ आते हैं और 50 रो तक पेज नंबर वन ही हमारे पास है। ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी, 50 तक हमारे पास पेज नंबर वन है, उसके 51 से पेज नंबर टू आपका शुरू हो रहा है। तो यहाँ मैंने कुछ नेम टाइप किए, जैसे मैंने यहाँ पे अली टाइप कर लिया, जहद कर लिया, उमर है, राशिद है, गोपाल है, आमिर है, और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं हम इसमें राशिद नदीम कर लेते हैं। अब उसके बाद जैसे हम फाइल पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आप देखें पेज नंबर वन पे हमारे पास यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, ऑफिस मैनेजमेंट और बाकी डाटा इसमें शो हो रहा है, और पेज नंबर टू पे केवल सिर्फ हमारे पास यहाँ पे नेम आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये जो डाटा हमारे पास है जहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी और बाकी ऑफिस मैनेजमेंट और ये लिखा हुआ, ये पेज नंबर टू पे क्या हर पेज पर आने चाहिए। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से एस्केप का यूज़ करते हैं और दोबारा हम पेज नंबर वन पे जाते हैं स्क्रॉलिंग करते हुए। इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना है और प्रिंट टाइटल पे क्लिक करने के बाद आपने शीट के टैब पे क्लिक करेंगे और रोज टू रिपीट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने वो हिस्सा सेलेक्ट करना है जिस हिस्से को आप हर पेज पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। और आप ओके पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करने के बाद फाइल पे आना है एंड प्रिंट पे क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं कि पेज नंबर वन पे हमारे पास डाटा आपको नज़र आ रहा है और इसी तरह से पेज नंबर टू पर भी आपको ये डाटा नज़र आ रहा है जितना आपने सेलेक्ट किया, यानी फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी और ऑफिस मैनेजमेंट। अगर आप इसके साथ नेम, क्लास एंड रोल नंबर को सेलेक्ट करते तो वो भी आपके हर पेज पर प्रिंट हो जाना था। तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी हेडिंग को रिपीट करवा सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपने प्रिंट टाइटल पे आना है, उसके बाद आपने यहाँ पे रोज टू रिपीट पे आपने क्लिक करना है, इसको यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हेडिंग रिपीट होना रिमूव हो चुकी है। तो आप फाइल पे आएँ, प्रिंट पे क्लिक करें, सिर्फ पेज नंबर वन पे हेडिंग आपकी रहेगी, पेज नंबर टू पर कोई हेडिंग नहीं आ रही। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें स्केल टू फिट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें देखें विड्थ एंड हाइट ऑटोमेटिक पे आपने रखनी है और स्केल आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे ये डाटा नेम से लेकर ग्रेड तक लिखा गया पेज नंबर वन पे, और बाद में ऐसा होता है कि हमारे पास यहाँ पे डाटा कंप्लीट हो जाता है और ये तीन कॉलम हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा रह जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्केल को बढ़ा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्केल को बढ़ा दिया, जैसे मैंने बढ़ा दिया तो ये देखिए यहाँ तक ये पेज आपका कवर हो गया। और बाद में ऐसा होता है कि जैसे आपने डाटा लिख लिया, मैंने यहाँ पे टाइप किया इसमें ग्रेड एंड परसेंटेज, वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्रेड को, इसमें स्केल को कम कर देना है। तो हम यहाँ पे स्केल को जैसे हम कम करेंगे तो तहरीर पेज नंबर वन पे ही प्रिंट होगी, यानी कि आपके मार्जिन एरिया में ही प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्केल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मल स्केल आपका 100% होता है, मगर ज़रूरत के मुताबिक आप इसे कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं शीट राइट टू लेफ़्ट। अब देखिए यहाँ पे हम जो भी डाटा टाइप कर रहे हैं वो सारा यहाँ पे इंग्लिश में कंपोज हो रहा है, यानी लेफ़्ट टू राइट की तरफ हम डाटा लिख रहे हैं। और कभी आपको वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर उर्दू लिखनी पड़ जाए तो हम राइट टू लेफ़्ट की तरफ इसमें अलाइनमेंट देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डाटा यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा। तो आप जो भी लिखेंगे वो आपका, जैसे हम उर्दू यहाँ पे लिख रहे हैं तो उर्दू के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसमें टाइप करते हैं नाम, क्लास, रोल नंबर एंड मज़मून। तो देखिए यहाँ पे जितना भी डाटा हमारे पास है वो राइट टू लेफ़्ट की तरफ लिखा जा रहा है। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप इंग्लिश के लिए लेफ़्ट टू राइट कर लेंगे।
और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रिड लाइन के बारे में कि अगर आप इन लाइंस को हाइड करना चाहते हैं तो आप इन लाइंस को हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके देखिए तमाम लाइंस आपके पास हाइड हो चुकी हैं, और अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप शो भी करवा सकते हैं। कभी ऐसा भी होता है तो गलती से आप यहाँ पे ग्रिड लाइन पे क्लिक करके व्यू को आप ऑफ़ कर देते हैं तो तमाम लाइंस आपकी ऑफ हो जाती हैं। तो इसके लिए आप पे लेआउट पे क्लिक करके यहाँ से आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएंगी। और अगर आप इन्हीं लाइंस को प्रिंट करना चाहते हैं, लाइट से प्रिंट होगा तो आप प्रिंट पे क्लिक करें, और उसके बाद जैसे हम फाइल पे आते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पे ये आपकी ग्रिड लाइंस प्रिंट हो रही हैं। तो इस तरह से हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। स्केप का यूज़ करते हैं, वापस आते हैं, और आप यहाँ पे प्रिंट की कमांड को ऑफ़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद हेडिंग आपके पास है, हेडिंग कौन सी है, जैसे हमारे पास कॉलम का हेडर है ए बी सी डी और रोज़ का हेडर हमारे पास 1 2 3 है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको ऑन भी कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट पर क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करें, या फिर फाइल पर आएँ एंड प्रिंट पर क्लिक करें तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास हेडर दोनों प्रिंट हो रहे हैं, यानी कि आपके पास रोज़ का नंबर भी प्रिंट हो रहा है और कॉलम का आपके पास एड्रेस भी प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, शेप के अंदर भी मैंने ये पढ़ाया है, और उसके बाद पिक्चर के अंदर भी ये सारी कमांड्स हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कमांड आप वहाँ से अगर पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको इंसर्ट के बारे में और उसके बाद पेज लेआउट के बारे में कम्प्लीट इसमें पढ़ाया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल से कुछ सीखा है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।